गुड इवनिंग और नमस्ते दोस्तों। साइकिलिंग मेरा हॉबी है, रोज शाम को मैं साइकिलिंग करता हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ खाना खाने के बाद, लगभग 8:30 बजे से 9 बजे तक एक घंटा मैं रोज़ साइकिलिंग करता हूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको हेल्थ भी अपने हॉबी के साथ साथ हेल्थ को भी मेंटेन करना पड़ता है। चलिए, एक्चुअली क्या हुआ, आज शाम स्विट्ज़रलैंड से मेरा एक सब्सक्राइबर आया था, उसका नाम है कार्ली बेली। वो स्पेशली शंजन आया है मुझसे मिलने, और आया मुझसे मिला और खूब बातचीत किया हमने। वो कुछ तारीफ़ भी किया मेरा वीडियोस के बारे में, कह रहा है बहुत हेल्पफुल है, बहुत लोगों को हेल्प हो रहा है। तो वो कुछ आपको आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहता है, वो भी अपनी भाषा में। स्विट्ज़रलैंड के लोग कॉमनली स्विस जर्मन बोलते हैं, तो उसी भाषा में कुछ वो आपको मैसेज देगा। तो चलिए एक दफ़ा उस देख कर फिर साइकिलिंग कंटिन्यू करते हैं। हाय दोस्तों, आज मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड कार्ली बेली स्विट्ज़रलैंड से आया है, और ये जनाब मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर है, फॉलोअर भी है, और आज स्पेशली शंजन आए हुए मुझसे मिलने के लिए। क्या कार्ली, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, एंड यू हैव एनी मैसेज टू माई फ्रेंड और सब्सक्राइबर्स? Ja, also ich würde sagen, Shenzhen ist einfach super interessant, und ich bin super happy, dass ich den Shashi hier kennengelernt habe, der mir ein bisschen Shenzhen zeigt. Und jeder von euch sollte definitiv mal nach Shenzhen kommen und sich da das ganze Wunderland von der Technologie mal anschauen. Und am besten den Shashi kontaktieren und auch seinen YouTube-Kanal abonnieren, was ich natürlich auch gemacht habe. Darum habe ich ihn kennengelernt. Okay. Danke für mal. Thanks a lot. Yes. Shashi, thank you. Yes. जनाब जो भी बोल रहे हैं कुछ अच्छे ही बोल रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं मतलब मैं समझ सकता हूँ। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय। ओके, तो बहुत अच्छा बना था। ओके दोस्तों, आज एक्चुअली साइकिलिंग करते करते मुझ कुछ आइडिया आया, क्यों ना मैं साइकिलिंग करते करते आपके साथ कुछ बातचीत करूँ, यानी कि कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे, उसी में मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस को चुनकर आज आपके साथ साइकिलिंग करते करते शंजन सिटी में साइकिलिंग करते करते आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कॉमन क्वेश्चन पूछते, शशि भाई आपका व्हाट्सएप नंबर, शशि भाई आपका कॉन्टैक्ट। पहले मैं देता था व्हाट्सएप नंबर में देता था, एक्चुअली क्या है दोस्तों, शंजन में व्हाट्सएप बहुत लिमिटेड है मुझे, और बहुत सारे लोग मेरे नंबर्स लेकर मुझे कॉल करने लगे। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, मैं कभी कभी ऑफिस में रहता हूँ, और चाइना के और इंडिया के टाइमिंग अलग है। कुछ लोग इंडिया से कॉल कर रहे, कुछ लोग दुबई से कॉल कर रहे, और कुछ लोग न्यूजीलैंड, बहुत सारे अलग अलग देश से अलग अलग टाइमिंग पे कॉल कर रहे हैं मुझे। वो क्या कुछ डिस्टर्ब होने लगा मुझे, तो इसलिए दोस्तों बुरा मत मानिए, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ। इसीलिए दोस्तों अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज़ आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है शशि4x। अरे एक मिनट यार, हाँ थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा डेंजरस साइकिलिंग कर रहा हूँ आज। ओके, मैं कहा था वो इंस्टाग्राम, अरे ओ माय गॉड, इंस्टाग्राम में शशि4x मेरा आईडी है, और वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर मत दीजिए, क्योंकि वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आपका नंबर देख सकता है, और कोई भी गलत फ़ायदा आपके नंबर के साथ से गलत फ़ायदा उठा सकता है। और एक भरकूदार ने पूरा अपना नाम और पता दिया है, एड्रेस, घर का नाम, कौन सा गली, कौन सा एरिया, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी दिया है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये सब देने से कुछ गलत आदमियों को गलत काम करने के लिए चांसेस मिल सकता है। तो प्लीज़ अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वहाँ पे मत दीजिए, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, और अगला
अगला कॉमन क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके, तो अगला कॉमन क्वेश्चन है, शशि भाई हमको वॉच मार्केट द फर्स्ट कॉपी वॉच मार्केट का वीडियो बनाइए। ये ऑलरेडी है यार, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसका वॉच मार्केट का वीडियो से। अब प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाकर चेक कीजिए, आपको वहाँ पे वॉच मार्केट का हेडिंग है, वहाँ पे चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और उसके ऊपर आपको कोई डाउट्स और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ। तो इसी एपिसोड में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं इसी एपिसोड में आपको जवाब देता हूँ। और दूसरा कॉमन क्वेश्चन है मोबाइल एक्सेसरीज़ के बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने, है उसका उसका टॉपिक और उसका हेडलाइन है मोबाइल एक्सेसरीज़, तो वो देखिए ना, वो वीडियो देखिए ना, आपको वो मोबाइल एक्सेसरीज़ का कुछ आइडिया आ जाता है। और सेकेंड हैंड फ़ोन के बारे में भी मैंने दिया है वीडियो बनाया मैंने, सेकेंड हैंड फ़ोन और आईफोन, कॉपी आईफोन या फेक आईफोन या रिफर्बिश्ड आईफोन, उसके बारे में भी एक आईफोन मार्केट का एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया मैंने। अरे यार एक सेकंड, कुछ डेंजरस कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, कोई डेंजरस राइड है आज मेरा, एक सेकंड। और यहाँ पे आजकल लोग हाथ में मोबाइल, अगर हाथ में मोबाइल मिल गया ना, उन लोगों का सामने का दुनिया नज़र ही नहीं आता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस बंदे को, तो मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल मार्केट, सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट, आईफोन रिफर्बिश्ड आईफोन, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो थे। और यहाँ पे मैं एक बस स्टॉप में आ चुका हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे लोग मोबाइल लेकर, ओके आ गया। तो अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत पूछ रहे हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, शशि भाई चाइना से माल कैसे मंगवाना है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया मैंने, आप मेरे चैनल में देखिए, और हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना मैंने इसमें डिटेल में बताया मैंने उसमें, और वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग ऐसे लग रहा है ये तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे, ऐसे लग रहा है वो वीडियो नहीं देख रहे, वो स्किप कर रहे। अगर मेरा वीडियो आपको बोर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोले ना, शशि भाई आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत खींच रहे, बोरिंग हो रहा है, बोलिए मैं उसको और इंटरेस्टिंग करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। तो बहुत सारे इस वीडियो को देखकर बहुत सारे सब्सक्राइबर संजन आ रहे हैं और बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, आपको पता है मैंने दिखाया मैंने, ओके। साइकिलिंग करते करते अभी मैं आ गया यहाँ पे, ये संजन टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ZTE का वो बिल्डिंग है, ZTE का कंपनी है, और वहाँ पे लेनोवो, आगे स्काईवर्क, और ये है टेक्नोलॉजी पार्क। तो देखते चलो अभी आगे देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ZTE का बिल्डिंग है, ZTE फोन, ये टेक्नोलॉजी शेंजन टेक्नोलॉजी या शेंजन सॉफ्टवेयर पार्क होते हैं, जो आपके सारे मेरे पीछे आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड जो आपका बिल्डिंग दिखा रहा है, पूरा टेक्निकल कंपनीज का बिल्डिंग है। जैसे मान लीजिए मुझे रोड क्रॉस का मतलब है, थोड़ा सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो अगला जो कॉमन सवाल जो है, सैम्पल पीसेस, शशि भाई मुझे पेपर वॉच चाहिए, मैंने पूछा भाई कितना पीसेस चाहिए आपको, एक पीस के लिए एक या दो पीस के लिए मैं आपको बेच सकता हूँ, अगर आप इसका शिपिंग कॉस्ट बेयर करेंगे तो, क्योंकि एक पीस के लिए आपको मिलेगा पेपर वॉच फॉर एग्जांपल 150 है, और मतलब 1500 इंडियन रुपीज़, फिर उसका शिपिंग का कॉस्ट जो है वो आपको लगेगा 2000 से लेकर 3000 इंडियन रुपीज़, ओके। छोड़िए चीपेस्ट वे, एकदम चीपेस्ट बैटरी 1000 इंडियन रुपीज़, तो टोटल एक पेपर वॉच के लिए आपको मिलेगा 2500 इंडियन रुपीज़। तो अगर आपको एक ही पीस चाहिए या दो पीस चाहिए, प्लीज़ मैंने उसका अमेज़ॉन लिंक दिया है उस पेपर वॉच का, तो आप वहाँ से आप लिंक से आप लीजिए, खरीद लीजिए, आपको 2000 में मिल जाता है। रोड क्रॉस करना पड़ेगा अभी, आजकल पुलिस पकड़ रहे हैं साइकिलिंग वालों को भी, जब तक सिग्नल हमको मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल नहीं मिलेगा हमको, अगर हमने
क्रॉस कर जाए तो पुलिस पकड़ कर यहाँ पे, यहाँ का जो चाइना का जो पनिशमेंट है लॉ एंड एनफोर्समेंट, ज़्यादा पैसे ह्यूज पेनाल्टी डाल देते हैं। मान लीजिए मैं साइकिल लेकर मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ, तो मोटराइज्ड रोड बोलते हैं उसको, जहाँ पे कार और ट्रक चलते हैं, तो उस पर गया तो अगर पुलिस पकड़ लिया तो मुझे स्पॉट में 2000 चाइनीज यूएन मीन्स 20,000 इंडियन रुपीज़ स्पॉट फाइन है। मेरे राइट हैंड साइड जो बिल्डिंग है ये स्काईओवर और डीजेआई का हेड ऑफिस, जो मैंने डीजेआई का अपने वो गिम्बल का मैंने इंट्रो इसी स्पॉट में किया है मैंने, यहीं पे वो डीजेआई का हेड ऑफिस और स्काईओवर बिल्डिंग का ऑफिस यहीं पे है। ये मेरा रेगुलर साइकिलिंग पाथ है। अच्छा मैं कहाँ था, अगर पेपर वॉच अगर आपको एक पीस या दो पीस चाहिए और हर प्रोडक्ट का जो भी आप सिंगल पीस आप लेना चाहते हैं, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको मेरा वो अमेज़ॉन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लीजिए और आपको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी तो तभी आप प्लान कीजिए चाइना आने के लिए या बल्क में इसको इंपोर्ट करने के लिए। तो खाली आप एक पीस या दो पीस चाइना से यहाँ से लिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगा। मैं कर्नाटक के रहने वाला हूँ, बैंगलोर सिटी का रहने वाला हूँ और चाइना आकर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गए, तो इसीलिए मैं एक मेरा पहला वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, उसमें कहा था मैंने, मतलब एक ही नहीं एक दो तीन वीडियो में कहा हूँ मैंने, कहा था चाइना आकर मेरा हिंदी और अंग्रेज़ दोनों बिगड़ रहा है। ओके तो चलिए मैं अभी रोड क्रॉस करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, एक हाथ में कैमरा और वो भी साइकिल, वाह मुश्किल है भाई। चलो 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 ओके, अरे गाड़ी आ रही है, रुक भाई मैं क्रॉस करता हूँ। ओके रोड क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे वो सिग्नल मेरा आगे वाला सिग्नल रेड सिग्नल है, और ये देखिए नानशान, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा वो TCL का बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पार्क, और यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये वाला देखिए बैटरी बाइक छोटा वाला, मेरे पास भी है, इतना छोटी गाड़ी मेरे पास भी है, ये जा रहा है एक हाथ में सिगरेट और मैं गाड़ी चला के भाग गया, और कुत्ता भी लेके जा रहा है। इतना घंटे बारो वेस्ट है, कोई साइड नहीं देगा, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। अभी एकदम सेफ सिटी है, एक पुलिस चौकी है यहाँ पे और एक आगे बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप के बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा। बहुत ही सेफ सिटी है शेंजन, यहाँ पे कोई जीरो क्राइम, कोई कुछ नहीं आपको, मतलब चाकू दिखा के पैसे नहीं लेगा आपका, कोई मारेगा नहीं, धमकेगा नहीं, वेरी फ्रेंडली और साफ सुथरा फ्रेंडली सिटी और हाईटेक सिटी है, मेरा फेवरेट सिटी है शेंजन। और इस सिटी में, इस कंट्री में इंडियंस को बहुत रेस्पेक्ट है। आजकल लोग बोलते हैं इंडियन, ओ इंडियन योर सॉफ्टवेयर योर टेक्नोलॉजी और बॉलीवुड वेरी नाइस, ऐसे बोलते हैं, मुझे ये सुनकर एकदम दिल खुश हो जाता है। एक सेकंड, मुझे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और बाद में आपको दिखाऊँगा। कुछ तो पूछ रहे हो, मार्केट का एड्रेस दे दो कहाँ है, आप प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वहाँ पे मैंने उस डिटेल दिया है मैंने, आप प्लीज़ मेरा वीडियो को डिटेल में देखिए। ओके दोस्तों, मैं थक गया हूँ बातें करते और साइकिलिंग करते, तो इसी एपिसोड को, इसी वीडियो को हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय, गुड नाइट।